नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने चैनल सिविल ज्ञान पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बॉक्स कलवर्ट का बीबीएस बनाना सीखेंगे, क्योंकि बॉक्स कलवर्ट का बीबीएस बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। जो नए नए फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। उनको कॉम्प्लेक्स इसलिए लग सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में बॉक्स कलवर्ट नाम की कोई डिज़ाइन पढ़ी हुई होती नहीं है, इसलिए उनको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है। साइड पे आते ही उन लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना नहीं आएगा, तो ऐसी ऐसी चीज़ों की ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पे हम लोगों को फेस करनी पड़ती है साइड पे, जब हम लोग खड़े हो जाते हैं साइड पे जाके, तो अब हमको समझ में आता नहीं है कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आपको कोई भी डाउट होगा वो यहाँ पे इस चैनल पे आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो बॉक्स कलवर्ट का आप देख रहे हैं, ये बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए है, लेकिन आप लोगों को अगर एक्सेल एमएस एक्सेल में बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना नहीं आता है, तो आप यहाँ इस कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करके और बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनता है एक्सेल शीट में आप लोग देख सकते हैं वीडियो में और उसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको करना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास में ड्राइंग है, तो हमारे पास में ड्राइंग में वैसे दो दो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक तो उसका प्लान सेक्शन और वगैरह वगैरह, उसकी थिकनेस और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें सारी मेंशन की हुई रहती है, और दूसरा पार्ट होता है रेनफोर्समेंट का, उसकी रेनफोर्समेंट की सारी डिटेल जो है यहाँ पे बताई गई जाती है, जिसको शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट बोला जाता है। तो ये दो चीज़ें होती है। अब हमको यहाँ से कोई भी एक स्ट्रक्चर पिक करना है जिसको हमको बीबीएस बनाना है जिसका, तो यहाँ पे हम लोग पिक कर लेते हैं 7 नंबर का, क्योंकि इसमें एप्रो स्लैब भी है। तो ब्रैकेट का जो है किस तरीके से हम लोग उसका जो है बार है उसका शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो सारी जो है उसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये एग्जांपल उठा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेशन विड्थ, तो फॉर्मेशन विड्थ सबकी सेम है, तो यहाँ पे 12 मीटर दी गई है। नंबर ऑफ बेंड्स कितने हैं, वो एक एक बेंड है, और साइज ऑफ बेंड क्या है, 3/3 A×B के टर्म में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं, कॉर्नर में लिंक आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे A×B की टर्म में यहाँ पे डायमेंशन दिए गए हैं 3 मीटर बाय 3 मीटर, और यहाँ पे इनवर्ट लेवल मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे FRL मेंशन किया हुआ है, और लिखा हुआ है विथ एप्रो स्लैब, मीन्स इसमें हम लोगों को एप्रो स्लैब बनानी है, इसलिए हम लोगों को इसमें ब्रैकेट देना है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको 26+079 और 3×3 का हम लोगों को बॉक्स चाहिए। तो 3×3 के लिए हमारे ABCD जैसे कि मीन्स हमारे इसके डायमेंशंस क्या होंगे, ये देखिए जहाँ यहाँ पे लिख रखे हैं ABCDEF, ये सारे डायमेंशंस हम लोगों को यहाँ पे निकालने हैं, और एक हम लोगों को सेक्शन बना लेना है। तो सेक्शन में नहीं बनाऊंगा, आप लोग बना सकते हैं, आप एक रफ आइडिया के लिए आप बना सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बीबीएस बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस देख लेते हैं। यहाँ पे 3/3 की डिटेल दी हुई है हम लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 3 मीटर दी गई है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर दी गई है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 600 mm दी गई है। सी मीन्स जो हमारा राफ्ट का प्रोजेक्शन है वाल के बाहर में, वो 600 mm, और डी की वैल्यू यहाँ पे 300 mm दी गई है, ई की वैल्यू 350 mm दी गई है, और एफ की वैल्यू 300 mm दी गई है, और जी जो है वो 1200 है। जी क्या है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जी मेंशन किया हुआ है, मीन्स जो ये यहाँ से लेके जो हमारे शियर की डेप्थ है वो यहाँ पे जी मेंशन की हुई है। तो ये सारी चीज़ें, इनकी चीज़ों की हेल्प से हम लोग एक यहाँ पे एक हमारा एक बॉक्स का यहाँ पे शेप या सेक्शन बना लेंगे, और उसको साइड में रख के हम लोग उसको देख देख के हम लोग बीबीएस बनाना सीखेंगे। तो अब चलिए अब चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। एक्सेल शीट में देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सेल शीट देखने से पहले हम लोगों को रेनफोर्समेंट की ड्राइंग रीड करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से सेक्शन में सारी चीज़ें हम लोगों को सारे बार की डिटेल यहाँ पे बताई जाती है। तो अगर आप लोगों ने
ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो आप वो जो मैंने आपको बोला है कि बार बेंडिंग शेड्यूल का जो वीडियो है आप देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल वाइज सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे दिया है रेनफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ सिंगल सेल बॉक्स कलवर्ट यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेक्शन में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे डिटेल वन करके दिखाया गया है, डिटेल वन को कहीं पे मेंशन किया गया होगा, वो भी देख लेंगे। अब देखिए टॉप स्लैब रेनफोर्समेंट का प्लान दिया हुआ है, तो ये देखिए ये टॉप स्लैब हो गई और इसका रेनफोर्समेंट का प्लान जो है यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि साइड व्यू से हम लोगों को सारा कन्फर्मेशन नहीं होगा कि रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट क्या है, इसलिए यहाँ पे एक प्लान लेना यहाँ पे ज़रूरी है। वैसे ही बॉटम स्लैब का रेनफोर्समेंट प्लान क्या है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए डिटेल वन यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ब्रैकेट का रेनफोर्समेंट और हंज का रेनफोर्समेंट शो किया गया है, और यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल जो भी काम की है वो सारी यहाँ पे शो की गई है, जैसे नंबर ऑफ स्टिरअप्स कितने हैं, नंबर टू लेग्ड 10 @400 सेंटर टू सेंटर हॉरिजेंटल जो है हमको यहाँ पे रिंग्स लगानी है ब्रैकेट में, वो शो की गई है यहाँ पे। और ये दिया गया है सेक्शन ए ए, सेक्शन ए यहाँ पे शियर की का दिया गया है, शियर की आप देख सकते हैं कि शियर की में रेनफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पे शो की गई है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एप्रोस्लेब की जो है यहाँ पे डिटेल शो की गई है, एप्रोस्लेब का रेनफोर्समेंट हम लोग अलग से जानेंगे, ये इजी है इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लेजेंड्स दिए गए हैं, तो लेजेंड्स हम लोग देख लेते हैं क्या है कि ये जैसे कि ये बॉटम बार शोन एज डैश 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 लाइन, मींस जो बॉटम बार है वो डैश्ड लाइन से शो किया गया है और जो टॉप बार है वो एकदम हार्ड लाइन से शो किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि ये जो शो किया गया है वो कौन सा होगा, ये बॉटम रेनफोर्समेंट होगा, और जो हार्ड लाइन या बिल्कुल थिक लाइन है वो यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट होगा, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेक्शन बी भी यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे सेक्शंस काट रखे हैं, जैसे कि बी सेक्शन से आपको दिखाया गया है कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो सेक्शन बी भी हम लोगों को ये दिखा रहा है, यहाँ पे जो भी हमारा ऑफसेट है ये वाला, इसका यहाँ पे डिटेल ये अच्छे से दिखा रहा है, क्योंकि इसमें एक 8 डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पे यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है, उसको ये दिखा रहा है, और यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे इसके अलावा कौन कौन सा बार लगा है वो सारा दिखाया गया है। तो ये हम लोगों ने एक थोरो ड्राइंग रीड कर ली है, और यहाँ पे हम लोग शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट भी देख लेते हैं कि 3x3 के लिए हमारा रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट क्या हुआ है। तो यहाँ पे सारे बार मार्क्स दिए गए हैं, 1 से लेकर 14 तक पूरे बार मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पे इसकी डिटेल हम लोगों को इसके साथ में रीड करनी है। तो नंबर बार बार नंबर वन क्या होगा, वो 10 × 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हम लोगों को लगाना है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर कि एक्सेल शीट में हम लोगों को कैसे बनाना है। तो जैसा कि आपने हमारा वीडियो देखा, अगर देख लिया होगा आपने, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ग्राफ्ट की थिकनेस क्या है, स्लैब की थिकनेस क्या है, वॉल की थिकनेस क्या है, और उसकी हाइट क्या है, मीन्स उसका वेंट क्या है, उसकी लेंथ क्या है स्ट्रक्चर की, और उसका चेनेज क्या है, और पार्ट क्या है उसका, मेन कैरेज वे MCW मीन्स आप समझ के चलिए मेन कैरेज वे, और ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, बॉक्स कलवर्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिए, आप जाके और उस वाले वीडियो में देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। और यहाँ पे देखिए जैसे कि जो हमारा BVS बनाया जाता है उसमें आप देख सकते हैं बार मार्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट, शेप ऑफ बार, डाया, स्पेसिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें मेंशन की होगी, और हमको इसको भरना है बस। और वहाँ पे जो आप वो वीडियो देखेंगे उसमें लिंक अवेलेबल है BVS का, तो आप वहाँ पे जाके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बार मार्क आता है हमारा नंबर वन बार मार्क, तो बार मार्क नंबर वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइंग में क्या दिया गया है हमारा बार मार्क नंबर वन, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये बार मार्क नंबर वन यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये बार मार्क वन यहाँ पे एक एरो बनाया गया है, और उसके बाद में ये एरो कहाँ जाता है, ये जाता है यहाँ ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे जाके और ख़त्म होता है, मीन्स यहाँ पे ये एल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ इस वाली वाल में भी ये जो है हमारा एल आ रहा है, तो इसका हम लोग शेप क्या ड्रॉ करना है, शेप जो है हमारा कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये फिर जो हमने जो डिटेल देखनी है यहाँ से शीट से हमको सारी डिटेल उठा ली है, जैसे कि
बामार्क नंबर वन है 3x3 के लिए 10.5@150 सेंटर टू सेंटर। तो हम लोग पहले बामार्क मेंशन कर लेंगे और सारी जो है डाया वाइज और स्पेसिंग वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे एक ही साथ, ताकि हम लोगों को बार बार ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही शीट से हमको ये उतार लेनी है यहाँ पे। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे मैंने विड्थ निकाल रखी है, तो विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमारे सेक्शन पर जाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारा सेक्शन में यहाँ पे हम लोगों को F क्या मेंशन किया गया है वो देखना है और C क्या मेंशन किया गया है वो देखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे F जो है हमारा यहाँ पे 300 mm मेंशन किया गया, तो 300 mm और 300 mm हो गया 600 mm की हमारी दो वॉल्स हो गई, और जो हमारा स्पान है वो हो गया 3 मीटर का। तो हमारी 3 मीटर 600 की जो है हमारी यहाँ पे 3 मीटर 600 की हमारी यहाँ पे पूरी इसकी विड्थ हो गई बॉक्स की वॉल टू वॉल। प्रोजेक्शन आप 600 mm का भी छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है हमको क्या, हमको कहाँ पे निकालना, देखिए हमको जो है ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ तक, यहाँ से हमारा जो है रेनफोर्समेंट ऊपर की तरफ एल जा रहा है, तो हमको यहाँ तक किसको विड्थ चाहिए, तो यहाँ की हमारी 3 मीटर 600 की यहाँ पे विड्थ बन रही। तो उसमें से हम लोग 40 mm कवर माइनस करेंगे। देखिए आप नोट्स पढ़ना मत भूलिए, यहाँ पे सारे नोट्स मेंशन किए गए हैं। ये 40 mm कवर कहाँ से पता चलता है, वो यहाँ नोट्स से पता चलता है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या दी गई है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्लियर कवर टू आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट दिया गया है 40 mm है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मेंशन की गई है जो आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपके काम की आप लोग यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो नोट्स पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए नोट्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे 3 मीटर 520 लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग जाते हैं कि इसकी जो ये L है इसकी लेंथ क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 0.3 × B, तो B की वैल्यू हमारी मीन्स B हमारा वेंट हो गया, मीन्स ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको मेंशन किया गया है कि B क्या है। तो ये हो गया 3 मीटर, और यहाँ पे 0.3 × 3 करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 900 mm हो जाएगा, 900 mm ही होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा इसका थिकनेस क्या है, 350 mm, तो 900 mm ये और 350 mm ये, मीन्स कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 1250 mm। 1250 mm में से आपको नीचे से 40 mm कवर माइनस करना है, तो बन जाता है आपका 1210 mm। तो यहाँ पे 1210 mm ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और सेम इसी साइड में भी ये एल बी 1210 mm का होगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आता है वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। अगर नहीं निकालते हैं और निकाल सकते हैं तो मैं आपको एक बता देता हूँ, देखिए 12 मीटर की लेंथ में आपको यहाँ पे ये लगेगा पूरा, तो मैं यहाँ पे 12 मीटर की लेंथ ले लेता हूँ, उसमें से मैं यहाँ पे 80 mm कवर माइनस कर देता हूँ, तो ये मैंने किया माइनस, मेरा बनता है लेंथ 11 मीटर 920। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 150 से, तो ये मेरा आता है 79, सो 79 आ रहा है, तो 79.46 आ रहा है, मीन्स इसको 80 मान लेते हैं, और 80 प्लस 1 हो जाएगा 81, तो 81 हो गया हमारा नंबर ऑफ बार्स। तो यहाँ पे फिर वापस हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका तो हो गया, तो ऐसे हमारा जो है नंबर ऑफ बार्स निकाले जाते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर अब बढ़ते हैं अब नंबर टू पे। अब इसकी कटिंग लेंथ क्या है, इसकी कटिंग लेंथ भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए रखे हैं और उनको यहाँ पे कटिंग लेंथ से लिंक कर रखा है, तो आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, या फिर आपके पास में एक्सेल शीट अवेलेबल हो तो आप वहाँ से आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए M14, N14, O14, P14, तो यहाँ पे चार जो है यहाँ पे मैंने कॉलम्स है, और उसके अंदर मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, कहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ वो यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन कर लेता है, आपको इस फॉर्मूले में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सेल को डीप में सीखना चाहते भी हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको आज सारा सीखना है। आप लोग चाहें तो एक रफ में भी आप लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना अगर चाहते हैं तो वो भी आप लोग बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेल शीट में ही बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है। ये तो मैं जैसे बनाता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे जैसे मैंने कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल जैसे जैसे लिख रखी है आप लोग चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। आप उसमें से जो है कटिंग लेंथ जो है लिख सकते हैं, टोटल लेंथ आप लोग वहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, टोटल वेट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ बार्स जो है बाकी सारी चीज़ें जो है आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप आगे बढ़ते हैं,
अब बढ़ते हैं हम लोग बायोमार्क नंबर टू के बारे में। तो हम लोगों ने कटिंग लेंथ यहाँ पे हमारी निकल के आ गई इस फॉर्मूला से, और यहाँ पे देखिए जो मैं आपको यहाँ पे जो करेक्शन कर रहा था अभी, ये क्या है एक्चुअली बैंड्स हैं 8 mm के लिए। मींस क्या होता है कि एक बैंड पे हमारा 2D माइनस होता है। वो 2D क्यों माइनस होता है वो मैं आपको किसी एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि 2D क्यों माइनस होता है, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करते। लेकिन आप ये बेसिक आपका थंब रूल रखिए कि आपको यहाँ पे 2D माइनस करना है। अगर 25 mm से कम है कोई डाया तो आप लोग कर सकते हैं, और वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैसे। वैसे मैंने अभी के लिए सारे में आपको 2D माइनस करके दिखाया गया है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो है बैंड हमारा 2D माइनस होगा, तो एक बैंड यहाँ पे दो बैंड है, तो यहाँ पे जिस दो बैंड है तो मैंने यहाँ पे दो जो है यहाँ पे वैल्यू की है, मीन्स नंबर ऑफ बैंड कितने हैं 2। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q कॉलम है और Q15 कॉलम है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे Q15 करके सॉरी Q15 नहीं R14 है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R14 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है कि आपको यहाँ पे देखिए माइनस लगाया है, और यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे इस कमांड से ये लोग यहाँ पे 8-12 ये जो भी है हमारा यहाँ पे रेनफोर्स में जो भी देखेगा यहाँ पे इस डाया में, वो यहाँ से 2D बैंड अपने आप माइनस करके आपको वैल्यू दे देगा। तो आपको इतना इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कटिंग लेंथ यहाँ पे इसको जोड़ के 2D बैंड माइनस करना चाहते हैं, अगर आप लोग रफ में बना रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं उसको 2D डायरेक्टली बैंड माइनस कर लीजिए, आपकी ये वाली कटिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ अपने आप निकल जाएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, टोटल लेंथ निकल जाएगी और टोटल वेट फिर आपका वापस निकल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ फॉर्मूला लगा के लिखा गया है जो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं बायोमार्क नंबर 2 की तरफ। तो ये क्या है देखिए, यहाँ पे इनका नोमेनक्लेचर या कहें कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइट पे जो एग्जीक्यूशन करवाता है उसको पता चलना चाहिए कि कौन सा भाग कहाँ पे आया था आने वाला है। तो आप ये लोग नहीं लिखेंगे, आप ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख देंगे तो सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये बार कहाँ पे लगाना है। तो ये इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं पता चलेगा। मेरे पास में एक पेज पड़ा हुआ है और उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है इतना मुश्किल क्यों है इसको जज कर पाना कि कौन सा बार कहाँ पे लगेगा। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राफ्ट बॉटम मेन बार, क्योंकि राफ्ट की बॉटम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे राफ्ट की बॉटम में लगा हुआ है रेनफोर्समेंट एक वाला, तो हमको इसको मेंशन करना जरूरी है, तो सामने वालों को तो पता चल जाए कि यहाँ ये यहाँ पे लगाना है। अगर उसके बाद में ड्राइंग नहीं होगी तो उसको परेशानी हो सकती है। उसके बाद में आता है बार नंबर 2, वो देख लेते हैं कहाँ पे है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोमार्क नंबर 2 दिखाया गया है, जो यहाँ से लेके देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और 2 ऐसे जाके और ऐसे आ रहा है, और इधर से जो है इसको इधर बेंड करना है। ये कैसे पता चल रहा है अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर रखा है पूरा। तो ये यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए वैसे ऐसे करके ऐसे बनाया गया है, वैसे 5 नंबर का बार हमारा ऐसे आना चाहिए। सॉरी मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, ठीक है। हमारा जो दो नंबर का बार है वो तो ऐसे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यहाँ से लेके ऐसे जा रहा है 2 नंबर का बार। तो यहाँ पे हम लोगों को इसकी सारी डायमेंशंस निकालनी है। तो हमारी हाइट क्या निकलेगी, देखिए हाइट यहाँ पे वेरिएशन में निकलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे ये यहाँ से स्लोप बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना है, एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमको स्लेब दी गई है 300 mm थिकनेस की, इसलिए हम लोग वेंट बराबर ना रख के यहाँ से ये जो आपका ये पोर्शन है यहाँ से हम लोग वेंट को थोड़ा ऊंचा उठा देंगे। कितना ऊंचा, 150 mm ऊंचा, क्योंकि 6 मीटर पे 2.5% का स्लोप जो है हमारा वो आ रहा है 150 mm। आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, आप 6 मीटर में 2.5% का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका स्लोप कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्लोप है निकल जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 300 mm थिकनेस है तो यहाँ पे भी हम लोगों को 150 उठाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 300 mm थिकनेस हो जाएगी, नहीं तो वो थिकनेस बढ़ के कितनी हो जाएगी 450 mm, जो कि अन इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा। और हम लोगों को ऐसा डिजाइन नहीं करना है कि अन इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाए। तो हम लोग जो है जैसा कि हमारे ड्राइंग के हिसाब से वैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, यहाँ पे जैसा दिया गया है वैसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अन इकोनॉमिकल सेक्शन बन रहा है। आपको 300 mm स्लेब थिकनेस दी गई है तो आप लोग 300 mm ही लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी हाइट है यहाँ से इसकी हाइट जो है यहाँ पे 150 mm बढ़ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे कि क्या क्या डिटेल आपको दी गई है, जैसा कि आपको डिटेल दी गई है कि आपकी राफ्ट की जो थिकनेस है वो है 350 mm और आपकी जो वेंट है वो है 3 मीटर और आपकी स्लेब की थिकनेस दी गई है 300 mm। तो इन सबको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, वो आपको जोड़ने पर आएगा 3 मीटर 650 mm आपका यहाँ पे
यहाँ पे आपका पूरा हाइट आ जाएगा, जो आपकी वाल की राफ्ट बॉटम से लेके स्लेब के टॉप तक जो हाइट है वो आ जाएगी। कहाँ पे आएगी? यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का 3 mm वेंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, मीन्स मिनिमम वेंट जो हमेशा काउंट होता है वो यहीं पे काउंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 मीटर 150 हो जाएगा, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए पहले, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 मीटर 650, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बढ़ के आपका हो जाएगा ये 3 मीटर 800। तो यहाँ पे 150 mm बढ़ के 3 मीटर 800 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ से 40 mm माइनस करना है। उसके अलावा हम लोगों को और चीज़ें जो माइनस करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, देखिए, एक तो आपका ये राफ्ट का जो है बॉटम का जो मेन बार है वो हो गया 10 mm का, और इसके अलावा जो इसका बाइंडर रहेगा जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार इन राफ्ट टॉप एंड बॉटम, तो ये यहाँ पे जो 10 mm दिया गया है, 10 + 10 हमको 20 mm, इसके ऊपर से हमारा वर्टिकल जो है हम लोगों को रखना चालू करना पड़ेगा, तो ये 20 mm भी माइनस करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये 20 mm माइनस नहीं करेंगे तो हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो एक्चुअल हाइट से 20 mm ऊपर चला जाएगा, तो कवर हमारा ऊपर में 20 mm ही मिलेगा। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रख के चलना बहुत ज़रूरी है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए 20 mm और माइनस करेंगे। तो हम लोग अगर 3 मीटर 650 में से 80 mm माइनस करते हैं तो बचता है 3 मीटर 570, और फिर वहाँ से 20 mm हम लोगों को और कम करना है तो 3 मीटर 550 हो जाएगा। तो यहाँ वाली जो हाइट है हमारी, ये यहाँ वाली हाइट, ये हमारी 3 मीटर 550 हमारी वर्टिकल की निकल के आ जाएगी, और उसमें फिर 150 जोड़ के 3 मीटर 700 यहाँ का हमारा जो बीच वाला है, बीच वाला हाइट हमारा बन जाएगा। तो उसके कितने बनाना है हम लोगों को, उसके हमारे एक साइड में 6 मीटर हैं, तो 6 मीटर में कितने निकलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे लगभग 40 पीस आएंगे, तो 40 यहाँ पे मैं लोग आपको 41 लिख देता हूँ, मीन्स टोटल आपके, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे हमारे टोटल मिला के और 40 पीस एक में आएंगे, या टोटल आएंगे हमारे 80 पीस, 41 + 1 कर देता हूँ यहाँ पे 41, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट वैसे 81 होना चाहिए, 82 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे 80 कर सकते हैं। एक रेनफोर्समेंट ज़्यादा भी लगेगा तो उसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी साइड की कंडीशन के हिसाब से और साइड के हिसाब से आप लोगों को कैसे लगाना है वैसे। क्योंकि अब लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग जॉइंट नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट आपको पूरा एग्जीक्यूशन करना है, इसलिए आपको यहाँ से एक सिरे से लगाते हुए चलना पड़ेगा, आपको दूसरे सिरे पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो टोटल मिला के 81 पीस जो है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ओड नंबर आ रहा है इसलिए हमको दिक्कत हो जाएगी। हमारा ये इवन नंबर आता तो हम लोग यहाँ पे जो है हम यहाँ पे कुछ भी करेक्शंस कर सकते थे हमारे हिसाब से, तो वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है फिलहाल के लिए, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दो कटिंग लेंथ बनेगी, ये वेरी में बनेगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 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 जोड़ के एक कटिंग लेंथ लिखनी पड़ेगी, तो हमारे जो भी 2D बैंड आएंगे वो करके, और फिर इसको इसको और इसको जोड़ के अगली वाली लेंथ लिखनी पड़ेगी, ऐसे करके हमारी वेरी वाली लेंथ आ जाएगी। हमारा वेरी वाला कटिंग कैसे करना है वो मिस्त्री समझ जाएगा अपने आप, आपको तो बस BBS बनाने से काम है, और आप धीरे धीरे वैसे साइड पर रहेंगे तो सीख ही जाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बार है, तो नेक्स्ट बार हम लोगों को देखना है रेनफोर्समेंट क्या है। यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट में दिया गया है 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, 3 नंबर यहाँ पे है ही नहीं हमारे केस में। यहाँ पे 3 नंबर का एक्स्ट्रा बार, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा बार बोलते हैं, वो है नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर का बार कहाँ पे वो हम लोग देख लेते हैं, तो 4 नंबर है हमारा ये बार, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, और इधर में यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा पूरा। तो इसका L कितना दिया गया है, L भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो L यहाँ पे कितना मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं, 250 mm का यहाँ पे L मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी विड्थ क्या है, तो हमको 600 mm यहाँ पे और जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा टोटल जो है विड्थ कितना बन रहा है, 300 mm की हम लोगों ने दो वाल हो गई, उसके अलावा 3 मीटर का हमारा वेंट हो गया, और उसके अलावा 600 इधर 600 इधर मीन्स टोटल 1.2 mm का, सॉरी 1.2 मीटर का हमारा यहाँ पे टोटल लेंथ हमारा बढ़ गया। तो अब ये टोटल जो है हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 4.8 मीटर, तो 4.8 मीटर हो जाएगी, तो 4.8 मीटर में, सॉरी 4.8 मीटर हो रही है क्या, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे मेरे को इसको 600 mm और बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे इसको 720 mm बनना पड़ेगा मुझे, यहाँ से गलती से मैंने 600 mm यहाँ पे ऐड किया था, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे मुझे करेक्शन करना है, तो ये मैंने दो करेक्शन कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी विड्थ निकल के आ रही है वो आएगी 4 मीटर 800, उसमें से हम लोग जो है
कवर जो है वो माइनस कर लेंगे यहाँ से। तो ये जो हम लोग कवर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 मीटर 720 हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे 16 mm का डाया है सारा मेंशन किया गया है और यहाँ पे नंबर आप बात सेम आएंगे 81। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको मेंशन की हुई है। अगला बार आएगा हमारा 5 नंबर बार। तो 5 नंबर बार की डिटेल हम लोग देख सकते हैं कि 5 मीटर बार जो है हमारा यहाँ पे कैसे दिया गया है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से घुमा के इस तरीके से ये ऐसे दिया गया है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है। यहाँ से ऐसे चालू होगा 5 नंबर बार और यहाँ से ऐसे आके और यहाँ से घूम के और ऐसे इसका एल मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका अब कैसे निकालें, अब देखिए यहाँ पे ये एल तो दिया गया होगा, ये एल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, 320 mm का एल यहाँ पे मेंशन किया गया है और 250 mm का एल यहाँ पे मेंशन ये नीचे वाला किया गया है। तो हमको निकालने क्या है ये, तो यहाँ पे हम लोग 600 mm प्लस 300 mm हमारा हो जाता है 900 mm में से हम लोग इधर से और इधर से 40 mm कवर माइनस करेंगे तो बचता है 820। तो यहाँ पे 820 mm मैंने लिख दिया है, 250 का एल 320 का एल हम लोगों ने लिख रखा है। और जो हमारी यहाँ पे जो ये हाइट होगी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट आ नहीं रहा है एक्चुअली 10 mm और 20 mm का, क्योंकि राफ्ट का जो अब बॉटम वाला रेनफोर्समेंट है वो आपकी वाल तक की है और ये हमको वाल से बाहर एक्सटेंड करना है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को 20 mm, वही जो हमारी एक्चुअल जो हाइट आ रही है 3 मीटर 570 से लेके 3 मीटर 720, वो यहाँ पे हम लोगों को मेंशन कर देनी है। तो ये मेंशन करने के बाद में हमारे नंबर्स कितने आ रहे हैं, हमारी नंबर ऑफ वाल्स जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 × 81 करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ बार्स जो है हम लोगों को 162 लगेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे इसकी कटिंग लेंथ इस तरीके से निकलेगी और सारी यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 आता है हमारा स्लैब बॉटम मेन बार। 6 नंबर जो हमारा इजी है निकालना है, आप कोशिश कीजिएगा इसको निकालना और आप देखिएगा कि कितना आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 300 mm टिपिकल यहाँ से दिया गया है, तो इसकी जो हाइट है वो क्या आती है वो देखिएगा। मैंने यहाँ पे 300 mm वैसे मेंशन किया गया है, तो 300 mm ये क्या है एक्चुअली बॉटम बार है। 600 mm जो है ये देखिए, 6 नंबर का जो बार है यहाँ पे 300 mm यहाँ से आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो 40 mm और प्लस कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना बारीक हम लोगों को ज़रूरी नहीं है, 40 mm चलेगा। लेकिन आपका कंसल्टेंट मानता नहीं है तो आप लोग यहाँ से लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कवर से लेके दिया हुआ है। तो 340 mm यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं इसको 340 mm। यहाँ पे मैं आपको 340 mm कर देता हूँ और उसके बाद में ये सारी डिटेल्स फिर सेम वैसे ही। और वैसे ही फिर 7 नंबर का आप जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार इन राफ्ट एंड बॉटम। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा होता है ये बाइंडर्स, जो ये आपको ये टिक्स दिख रहे हैं ना, ये सारे जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक दिए गए हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप स्लैब का रेनफोर्समेंट प्लान दिया गया है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 7 नंबर है कैसे दिया गया है, ये इधर से लेके इधर तक ऐसे ये पूरा लंबा जो है रेनफोर्समेंट है। और यहाँ पे देखिए कहीं पे एक बारीक टिक दिया गया होगा और यहाँ पे लिखा गया होगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो 7 जो है वो टॉप और बॉटम में है, इसलिए देखिए ये बॉटम में भी यहाँ पे निशान लगाया गया है और टॉप में भी यहाँ पे होगा लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर का यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए ये, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगना है हमको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगना है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये लगेगा और उसकी डिटेल यहाँ पे हमको VBS में लिख रखी है, जैसा कि वो आप लोग ड्राइंग से देख लीजिएगा। वीडियो जो है हमारा लेंथी नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, और फिर यहाँ पे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बार्स और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कैलकुलेट करके कि कितनी आ रही है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब कॉर्नर्स में क्या आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा वापस। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार 7 नंबर लगा गया है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि 7 नंबर आपका यहाँ पे भी लगा हुआ था, 7 नंबर आपका यहाँ पे भी लगा हुआ था टॉप में, 7 नंबर आपका देखिए यहाँ पे, आप सारी ये काउंट कर लीजिए जो जो भी आपके लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे 6 और फिर वापस यहाँ पे भी ये सेम वैसे ही है आपका अरेंजमेंट यहाँ पे। अब नीचे भी देख लेंगे हम, नीचे भी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये 2 बार हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, वो भी हम लोगों को 7 नंबर लगाना है। उसके अलावा फिर यहाँ पे भी हम लोगों को 7 नंबर लगाना है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे भी एक 7 नंबर का बार है, और ये तो ये फिर जैसा सेम उधर लगा था वैसा का वैसा सेम इधर भी है। तो हमारे टोटल मिला के 3, और उसके अलावा फिर वाल में डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वाल,
उसमें भी जो है हमारा 7 नंबर ही है, मीन सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है सेम डायग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है निकालना ईजी है। और मैंने हाँ यहाँ पे लेप नहीं जोड़ा है, इसलिए साइड पे तो लेप आप लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि 12 मीटर से कोई रेनफोर्समेंट आपका ज़्यादा निकल जाता है तो आपको वहाँ पे लेप जोड़ना ही पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे 12 मीटर 240 ही हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक लेप जोड़ेंगे अल्टरनेट करके, एक इस साइड में एक उस साइड में करके आप लोग जोड़ सकते हैं आराम से लेप। लेप आप को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है एक्चुअल BBS जो है वो आप बनाइए, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं चीज़ें, आप नए नए साइड पे, तो आप लोग को इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आपको 12 मीटर से जैसे ही ज़्यादा निकलेगा आपको लेप के बारे में पता चल जाएगा कि कितना लगाना है। उसके बाद में आता है स्लेप टॉप का मेन बार। स्लेप टॉप का मेन बार आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि वो बार मार्क क्या था, 8 नंबर का बार मार्क है। तो 8 नंबर का जो बार मार्क है वो यहाँ से लेके यहाँ पे देखिए आप, यहाँ तक ये 8 नंबर, ये देखिए यहाँ पे जा रहा है ये 8 नंबर। तो यहाँ से लेके 0.3B, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3B दिया गया है। तो इसको 0.3B की वैल्यू निकाल के प्लस उसमें स्लेप की वैल्यू जोड़ के ऊपर से 40mm कवर माइनस करके जो भी हमारा डायमेंशन आएगा वो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें वापस सेम ही नंबर ऑफ बार्स वगैरह। उसके बाद में आते हैं हंच बार इन स्लेप पे। एक हंच बार जो है निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो यहाँ साइड पे नए नए आते हैं, और पुराने लोग भी हो जाते हैं, उनको भी साइड पे जो है रेनफोर्समेंट निकालना, उसकी कटिंग लेंथ निकालना आती नहीं है अभी भी हंच बार की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉर्नर पे जो वीडियो आ रहा है आप उसको जो है पहले देखिए, और उसके बाद में आप लोग हंच बार की जो है कटिंग लेंथ निकालना सीख जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ख़त्म कर रखा है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर रखा है, ये आप अपने हिसाब से डायमेंशंस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने जो हंच बार बताया वो यहाँ पे कनेक्टेड बताया, जो हमारा मेन बार है वहाँ पे कनेक्टेड बताया, क्योंकि जो साइड पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है जनरली, जो हमारा हंच बार रहता है, इसलिए उसकी कटिंग लेंथ उस हिसाब से मैंने निकाल रखी है। तो ये इजी है निकालना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आप पहली बार में ही आप लोग सीख जाएंगे कि हंच बार का कटिंग लेंथ कैसे आएगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हंच बार के बारे में। वैसे आप लोगों को ब्रैकेट के बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आप लोग वहाँ पे ब्रैकेट की कटिंग लेंथ के लिए भी मैंने आपको एक स्पेशली जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आपके ऊपर कॉर्नर पे लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये दो जो है मैं अभी इग्नोर करूँगा, क्योंकि इसको जो आपको समझाने में इसको मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं समझाना चाह रहा हूँ अभी। आप लोग आराम से उसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी शेयर की रिंग की बारी। शेयर की रिंग की बारी जो भी जो आप वीडियो देखेंगे ब्रेकेट वाला, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है, शायद उसी में एक्सप्लेन किया हो या फिर अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ हो सकता है, आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है अच्छे से। तो आप लोग वहाँ पे शेयर की रिंग का भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बनेगी, ठीक है। सारी चीज़ें सेम है, बस आपको आपका लॉजिक लगाना है, मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है, और आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। शेयर की का डिस्ट्रीब्यूशन बार ये भी आप लोग निकाल लेंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। कहाँ पे दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सारी जो भी है यहाँ पे आपको शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो भी हाइट है इसकी आपको इक्वल स्पेसिंग निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे EQ सारा लिखा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग जो है इसकी जो बन रही होगी वो निकाल लेनी है। सेम ऐसे ही इस लेंथ में जो भी आपकी इक्वल स्पेसिंग जो बन रही होगी वो आपको निकाल लेनी है, और इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना नंबर ऑफ बार आएगा वो निकल जाएगा। आप लोग निकालिएगा, इतनी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा ही मैं बता दूंगा तो आप लोग निकालेंगे क्या, इसलिए आप भी अपनी तरफ से कोशिश करके निकालिएगा। उसके बाद में आता है 13 नंबर का बार ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया गया है, तो कहाँ कहाँ पे लगाया गया है, किस किस लोकेशन पे लगाया गया है आप लोग देख सकते हैं, और इस हिसाब से आप लोग इसके नंबर्स और इसकी कटिंग लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपको रिटर्न वाल के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको छोड़ना पड़ेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो भी स्ट्रक्चर है इसके आगे हमारा ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट होगा तो रिटर्न वाल जो है हमारी स्ट्रक्चर से टच होके जानी है। तो हमको ब्रैकेट मान लीजिए हमारी 500mm विड्थ की जो है हमारी यहाँ पे रिटर्न वाल है, तो हमको इस कॉर्नर से 500mm छोड़ के यहाँ से ब्रैकेट चालू करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से हम लोगों को 500mm ब्रैकेट जो है छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए, एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होने वाला है तो उसके लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद में ब्रैकेट का जो है कटिंग लेंथ आप लोग वहां से निकाल लीजिएगा। सारी चीज़ें वीडियो के हेल्प से आप लोग सीख सकते हैं कि ब्रैकेट की कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी। सेम ऐसी ब्रैकेट के स्टिरप्स के लिए भी मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है, तो आप ब्रैकेट के जो स्टिरप्स हैं वहां पे जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। आपको अगर मान लीजिए उस वाले वीडियो से भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको वीडियो में भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कभी साइड पे ऐसा एग्जीक्यूशन होगा जिसमें आपको ब्रैकेट जो है कैसे उसमें रिंग लगाना है उसका अरेंजमेंट मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। वहाँ पे आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये रिंग जो है एक्चुअली लगती कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं साइट पे कि ये रिंग्स लगानी कैसे एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास में डेटा अच्छे से अवेलेबल होता नहीं है उसका, क्योंकि हमको एक ही सेक्शन दिखाया हुआ होता है ड्रॉइंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ही सेक्शन में आपको रिंग बताई गई है, कहाँ ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है, लाइन लाइन से पता क्या चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से कोई बॉक्स कलर का, हमारा अभी साइट चल नहीं रहा है, तो जब भी हमारा साइट चलेगा तो मैं आपको वहाँ पे ब्रैकेट की रिंग्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट का स्ट्रिप्स हो गया, टू टाइप्स के स्ट्रिप लगेंगे, क्योंकि दो दो कटिंग लेंथ अलग अलग निकलेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग लेंथ अलग निकलेगी और यहाँ पे जो कटिंग लेंथ है दो वो अलग निकलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग कटिंग लेंथ की टू टाइप की इसमें रिंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आता है आपका रिंग फॉर वर्टिकल बार अलोंग रिटर्न वॉल। तो ये जो आप देख सकते हैं 25mm की रिंग है, सॉरी 25mm का जो हमारा इसका बार मार्क है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 25mm यहाँ पे कहीं मेंशन किया गया होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे साइड एक मिनट। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से रिंग का अरेंजमेंट दिया गया। तो रिंग का अरेंजमेंट है क्या एक्चुअली, तो जो आपकी जो ऑफसेट निकलेगी यहाँ पे, जो आपकी 600mm की जो ऑफसेट निकली गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑफसेट निकली है इसके अलोंग जो एक वाल चलेगी, जो आपको ये डैश 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 जो पूरी लाइन दिख रही है ना, ये एक वाल है एक्चुअली। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक्सटेंडेड वाल है, और यहाँ से फिर हमारी रिटर्न वाल चालू होगी, क्योंकि यहाँ तक तो हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भरना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से रिटर्न वाल चालू कर देंगे तो इस गैप को कैसे फिलअप करेंगे, तो उसके लिए हमारी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सेक्शन बी भी मेंशन किया गया है, मीन्स आपको यहाँ से काट के और ऊपर से देखना है, इस तरीके से आपको उस सेक्शन को देखना है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए पूरा अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ पे रिंग टाइप बना रखा है, तो इस रिंग का जो है कैसे डायमेंशन निकलेगा वो यहाँ पे देखिए 500mm की रिंग है, इसलिए 420mm यहाँ पे निकल जाएगा, और इसे 824mm की आपकी निकल जाएगी रिंग। 824mm मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जैसे देखिए मैंने जैसे मान लीजिए कि ये 800mm हमारी टोटल, ये देखिए हमारी 600mm यहाँ से लेकर 600mm ये हो गया और 300mm ये हो गया, मीन्स हमारे टोटल हो गया 900mm। उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 40mm हम लोग माइनस कर लेंगे, तो बचता कितना है, वो बचता है हमारा 900mm से 80mm जाएगा, तो बचता है 820mm। तो 820mm माइनस करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ से 300mm की वाल है और यहाँ पे 600mm की, हमारी टोटल हमारी जो हो गई वो होगी 900mm जो हमारी इसकी पूरी लेंथ होगी। उसमें से हम लोग 40mm इधर से कवर माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा, 900 में से निकालेंगे हम लोग तो बच जाएगा 860mm, और फिर 40mm माइनस करेंगे इधर वाला तो हमारा बन जाएगा 820mm हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग चलिए 820mm ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग कुछ करेक्शन कर लेते हैं, 820mm कर लेते हैं। आप लोग को मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे फिर देखेंगे नहीं वीडियो, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे 820mm मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ये देखिए मैंने कर दिया करेक्शन यहाँ पे। और कितनी लगने वाली है वो तो हमारी हाइट हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो हमारा टोटल ये हाइट पे लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा टोटल हाइट पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारी टोटल हाइट पे लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा लगना और यहाँ पे खत्म हो जाएगा स्लैब के टॉप पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट बन रही है उसके हिसाब से नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो और ये जो रिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो क्या हाइट में आने वाला है वो भी आप लोग यहाँ से निकाल के और कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा VBS ख़त्म यहीं पे हो जाता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं छोटी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्लैब के अंदर आएगी, जैसे कि ये जो आपका हमारा जो कर्व है या इसको कहें कि जो क्रैश बेरियर है हमारा, इस क्रैश बेरियर का रेनफोर्समेंट जो है वो हमको स्लैब के अंदर एम्बेडेड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को रेनफोर्समेंट निकालना पड़ता है जनरली, जिसकी डिटेल हमको यहाँ पे दी नहीं हुई है, लेकिन हमको यहाँ पे नोट्स में मेंशन किया होगा कुछ, यहाँ पे हम लोग देख लेते
देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द रिइंफोर्समेंट ऑफ द क्रैश बैरियर शैल बी इनकॉर्पोरेटेड बिफोर कास्टिंग ऑफ द आरसी बॉक्स। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को रिइंफोर्समेंट पहले से लगाना पड़ेगा, बस इतना सा लिखा हुआ है, यहाँ पे डिटेल नहीं बताई हुई है, कहीं और किसी और ड्रॉइंग में इसकी डिटेल होगी तो वो यहाँ से हम लोगों को नोट आउट करके वहाँ से और यहाँ पे उसको रिइंफोर्समेंट को लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा हर एक स्ट्रक्चर का, कुछ चीज़ें छूट गई तो हमको दिक्कत हो जाती है, जैसे कि हम लोगों को ड्रेनेज स्पॉट यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि ड्रेनेज स्पॉट्स आप लोगों को लगाने हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कितने पे लगेगा, ये 5 मीटर पे लगता है सेंटर टू सेंटर, इसलिए यहाँ से इसको अगर आप यहाँ पे कुछ लगा रहे हैं किस तरीके से तो आपको यहाँ पे 5 मीटर का एडजस्टमेंट करके दोनों तरफ से और यहाँ पे आपको 5 मीटर सेंटर टू सेंटर लगा देना है, ताकि आपका यहाँ पे बराबर जगह बचे और इस साइड में भी आपका जब 5 मीटर पे लग जाए तो इधर भी बराबर जगह बचे, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में लगाना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो बन गया है। आप चाहें तो और भी जो हमारे बाकी के बॉक्स कलवर्ट्स हैं उनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से सारा डेटा उठा लीजिए, आपके पास में सारा डेटा अवेलेबल है ड्राइंग में। मैं आपको ड्राइंग अपलोड कर लेता हूँ, आपको अपलोड करके दे देता हूँ, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आप जो सीखने वाले हैं उनकी संख्या जो है वो कम पड़ जाए, इतना शेयर कीजिए इसको। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के ऑप्शन आपके स्क्रीन पर विजिबल होंगे, नीचे की तरफ आपका एक लाल बटन आ रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप दबा दीजिए, और उसके पास का जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऐप या ईमेल से मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।